अरे घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा, इसके घर में आऊंगा। सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू से बनाऊंगा। अरे 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 नहीं समझ आ रही क्योंकि इसमें बहुत शराफत ली हुई है। शेयर में लिया जी, लेकिन देखे क्या था? सिर्फ 16 पेज है नंबर वन। रवि सिर्फ 16 पेज है। एक नया फिल्म आपके साथ, किस तरह का फिल्म है? वही गोविंदा जी जैसा फिल्म है या थोड़ा हटके फिल्म है? देखिए फिल्म लाइन में जब किसी की बुराई करनी होती है तो लोग बोलते हैं हटके, और बुराई करनी होती है लोग बोलते उठ के। मैं ये कहूँगा कि वंस अगेन एक बहुत ही एंटरटेनिंग बनाने की फिल्म बनाने की हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। शकील नूरानी जी और मैं जो है हम लोग दोस्त हैं हम लोग, एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम पब्लिक को कैसे खुश करें। एक इरादा अपना जो है और अपनी नीयत जो है हमने ऐसी बांधी है कि हम लोगों को खुश करें। आप देखिए कि ऊपर वाला हमको कितने हद तक नवाजता है। जो फिल्म का टाइटल है जोरू का गुलाम, ये कैसा जस्टिफाई करता है? ये मेरे लिए तो बहुत ही ऐप टाइटल है। और मैं क्योंकि मैं हूँ इस पिक्चर में हीरो तो ये अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा। आधे लोग तो इस बात में हामी भरते नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि अंदर अंदर हर भाई हर मेरा दोस्त जानता है कि वो खुद क्या है। तो जो है वो सभी को पेश करूँगा मैं। कुछ लोग दिखाते नहीं है मगर मेरे ख्याल में अंदर से बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है। हर कोई खुश करने पे लगा हुआ है अपनी अपनी बेगम को। तो उम्मीद है कि देखिए बहुत एंटरटेनिंग फिल्म। अरे घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा, इसके घर में गाने में से जी लेके आना इंग्लिश। सच कहता हूँ राम कसम, फुल फुल मैं जोरू से बनाऊंगा। अब गए तो फिर मुझे जरूरी नहीं समझ में आया था। नहीं जब आए तो मुझे इजी पड़ेगा। तो एक बार बताइए। अरे घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा, इसके घर में आऊंगा। सच कहता हूँ राम कसम, मैं जोरू से बनाऊंगा। अरे 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 नहीं समझ आ रही क्योंकि इसमें बहुत शराफत ली हुई है। सबके साथ शादियां होने लगा उसने वो बाद में। अच्छा जाना भी नहीं जाना बाद में। शेयर के लिए आदेश जी एक बार फिर आप शकील नूरानी के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और वो अच्छा लगने की एक वजह ये है कि जैसे बड़े दिल वाला का म्यूज़िक जो है काफ़ी लोगों को पसंद आया, जिनमें से मतलब काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं। तो बहुत म्यूज़िकल और बोले बहुत ही मेलोडियस म्यूज़िक था उसका, तो वो श्रेय जो है वो तो जाता है मेरे डायरेक्टर साहब को, शकील भाई को, क्योंकि उसके लिए क्या उनका कुछ भी हो ही गॉट अ गुड एटलीस्ट सुनते हैं और सुन के करेक्ट। मतलब मैं तो जब फर्स्ट सेटिंग कर रहा था बड़े दिल वाले के समय तो मैं सोचा था कुछ आइटम होंगे ही होंगे, जहाँ उन्होंने ये सब गाने निकाले बांट रहा था जब खुद आसारे जहाँ के लिए होते, तो मैंने चलो मेरे दिल को वाकई में बहुत सुकून मिला कि चलो इस टाइप का म्यूजिक भी लेने वाले हैं। तो इस बार आप कौन सी? इस बार फिर अभी हम लोग टोटली अलग जस्ट अपोजिट हैं, बट हमारी मेलोडी स्टिल उसमें है। ये नहीं है कि कुछ भी चल रहा है मतलब कि चलती क्या इधर या वो सब नहीं है, एक सेंसिबल है और एक मीनिंगफुल है, और जिसमें समीर जी ने लिखा है गाने सब
लिख रहे हैं आगे। तो फिर कौन सी फिल्म के लिए कर रहे हैं, कैसा म्यूजिक होगा उसका? वो ये फिल्म जोरू का गुलाम है और इसका म्यूजिक जो है टिपिकल फदा मास और हमारे हरफन मौला हीरो श्री गोविंदा जी के लिए है, एकदम करेक्ट उनके ऊपर, मतलब उनके स्टाइल का ही म्यूजिक। ये टाइटल सॉन्ग नहीं है बट ये एक आइटम है, इंट्रोडक्शन टाइप का है। इसमें बिगनिंग में शेर है, वो शेर भी बहुत धमाकेदार है, तो उसमें हम लोगों ने जोरू वर्ड यूज किया है कि लास्ट में बोलता है कि इसे तो मैं अपना जोरू बनाऊंगा, और फिर वहां से गाना स्टार्ट होता है कि नीचे फूलों की दुकान ऊपर गोरी का मकान। अरे घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा इसके घर में, सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू से बनाऊंगा। अच्छा जो अपना मोटी राशि कुछ बोलो फिल्मी बातें के लिए, जब कंटिन्यू नहीं रहते हैं तब हम देखता हूँ फिल्मी बातें, पब्लिसिटी दे दी ना फ्री, अच्छा नहीं किया तो मैं भी सुमित जी आप लेबल हो गए गोविंदा जी के वॉइस में, हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है, गोविंदा जी पे जितने भी पिक्चरें बन रही है, एक्चुअली इट ऑल स्टार्टेड विद आदेश भाई की पिक्चर जो कुंवारा जो बन रही है, उसमें बहुत उसमें जो मैंने गाने गाए थे ना, उसकी वजह से जब लोगों ने बाहर सुना, अभी तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन उससे हवा अच्छी फैली, उसके बाद आने वाले कई फिल्मों में भी मेरे गाने आ रहे हैं, आनंद मलिन जी ने भी गवाया था मुझे अखियों से गोली मारे, तो उससे थोड़ा सा अच्छी इट फील्स गुड। गोविंदा जी इज़ अ वेरी चैलेंजिंग हीरो है, उनकी एक्सप्रेशन, उनके डांस, उनकी अदायगी, उनका विगर बहुत ही एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल होता है, उसको फॉलो करना और आवाज़ के जरिए उसको व्यक्त करना इट्स डिफिकल्ट, फील्स गुड। व्हिच इज़ द सॉन्ग वी रिकॉर्डेड ओवर हियर एंड व्हाट इज़ द सॉन्ग? फिल्म का नाम है जोरू का गुलाम और ये गाना जो है आदेश श्रीवास्तव जी ने संगीतबद्ध किया है, समीर जी ने लिखा है इसे, और मस्ती वाला गाना है बहुत ज़्यादा, इसमें हर गाने में कुछ ना कुछ हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, इस बार आतिश भाई ने एक नया कैश लाइन बनाई है, इतना इससे नहीं बताऊंगा, कुछ अलग ऐसे किया हुआ है पूरे गाने के बोल बताओ, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान,
और आगे आगे दैश दैश यस भाई। हाँ सर, आप हो ना लंदन जापान जाते हो? नहीं नहीं पूरा देख लिया, मैं तभी देख रहा था मैं आपका कहाँ था। कवरेज है पूरा देख लिया सब कुछ। पूरा रोल कीमत बोलते हो पूरा खराब हो गया।